और चलिए अब खबर यूपी से। यूपी के बागपत से खबर है। बागपत में बुधवार को ही बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए। बागपत की सड़क पर गाड़ियां बहती हुई नजर आई। बागपत में बुधवार को हुई बारिश के बाद शहर की सड़कों पर सैलाब बह निकला। बागपत के खेड़का इलाके में पानी का बहाव इतना तेज था कि एक कार पानी में बहने लगी। भारी बारिश के कारण खेड़का इलाके में इतना पानी भर गया कि कई दुकानें जलमग्न हो गई। लगातार हुई बारिश से बागपत में हालात काफी खराब हो गए हैं। जल भराव के कारण लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। कई इलाकों में 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दुकानों में पानी भर जाने से दुकानों में रखा सामान भी खराब हो रहा है। बारिश के मौसम में वाटरफॉल के आसपास लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है, इसकी वानगी बुधवार को मिर्जापुर में देखने को मिली, जब 2 युवक पानी के तेज बहाव के बीच फंस गए। मिर्जापुर के वाटरफॉल में पिकनिक मनाने गए 2 युवकों को लापरवाही भारी पड़ गई। वाटरफॉल के बीच में जाकर मस्ती कर रहे दोनों युवक अचानक पानी बढ़ने से एक चट्टान पर फंस गए। जानकारी लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों का रेस्क्यू शुरू किया। पुलिस ने रस्सी की मदद से दोनों युवकों का रेस्क्यू किया और उन्हें सकुशल बाहर निकाला। दोनों युवक वाराणसी के रहने वाले हैं और पिकनिक मनाने मिर्जापुर वाटरफॉल आए थे। इस दौरान पानी के तेज बहाव में वो वहाँ फंस गए। लखनऊ से खबर। लखनऊ में बारिश के बाद एक दर्दनाक हादसा हो गया। 1-6 साल की बच्ची नाले में गिर गई। बुधवार को लखनऊ के वजीरगंज इलाके में 6 साल की बच्ची नाले में गिर गई। बच्ची नाले के पास खेल रही थी, तभी उसका पैर फिसला और वो नाले में जा गिरी। इस दौरान नाले में बहाव इतना तेज था कि बच्ची पानी के तेज बहाव में बह गई। इधर बच्ची के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि बारिश के कारण नाले में पानी का बहाव काफी तेज था, इस कारण बच्ची को बचाने का समय नहीं मिला। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और नगर निगम की टीम लगातार बच्ची की तलाश कर रही है। खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के राजकोट किले में शिवाजी की प्रतिमा बनाने वाले मूर्तिकार को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने जयदीप आप्टे को थाने से हिरासत में लिया है। महाराष्ट्र पुलिस ने कुल 7 से ज्यादा टीमें ठेकेदार जयदीप आप्टे की तलाश में लगाई थी। ये टीमें लगातार उसकी तलाश कर रही थी। ठेकेदार जयदीप आप्टे को शिवाजी 35 फुट ऊंची प्रतिमा बनाने के लिए ठेका दिया गया था। प्रतिमा के निर्माण के बाद पीएम मोदी ने पिछले साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस के मौके पर मालवन तहसील के किले में शिवाजी की मूर्ति का अनावरण किया था, लेकिन ये मूर्ति पिछले महीने ही गिर गई। मूर्ति गिरने के बाद मालवन पुलिस ने स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट चेतन पाटिल और मूर्तिकार जयदीप आप्टे के खिलाफ केस दर्ज किया था। फिल्म धूम 2 की तर्ज पर भोपाल के एक म्यूजियम में 15 करोड़ के सिक्के चोरी होने का मामला सामने आया। फिल्म धूम 2 में ऋतिक रोशन जिस तरह से म्यूजियम में चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं, उसी तर्ज पर भोपाल के स्टेट म्यूजियम में 15 करोड़ के पुरातन महत्व के सिक्कों की चोरी हो गई। चोर रविवार को म्यूजियम में घुसा और सोमवार को छुट्टी वाले दिन सभी सिक्कों की चोरी हो गई। मंगलवार को जब म्यूजियम खुला तो चोरी की वारदात की जानकारी लगी और पुलिस को सूचना दी गई। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो चोर म्यूजियम में ही छुपा हुआ मिला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चोरी किए गए सिक्के भी बरामद कर लिए हैं।